हेलो एवरीवन, लॉली किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए ब्रेड पापड़ी चाट बनाने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही आसान है बनानी। इसे बनाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए चलिए देखते हैं कैसे बनती है ब्रेड से पापड़ी चाट। ब्रेड की पापड़ी चाट बनाने के लिए हमने लिए हैं ब्रेड। आप इसमें बड़ा ब्रेड ले सकते हैं, मैंने छोटा साइज का ब्रेड लिया है। एक कटोरी हमने दही ली है, दही में हमने थोड़ी सी चीनी डाली है। एक कटोरी दही के अंदर हमने 1.5 चम्मच शुगर डाला है। ये हमने काला नमक लिया है। ये इमली की मीठी चटनी है जो मैंने घर पे बनाई है, इसका लिंक जो है आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। एक अनार को छिलके उसके दाने निकाल लिए हैं मैंने। थोड़ा सा लाल मिर्च लिया है 1/2 चम्मच। ये मैंने काजू लिए हैं, 7 से 8 काजू हैं जिनको मैंने लंबे टुकड़ों में काट लिया है। ये हमने थोड़ी सी किशमिश ली है, 20 से 25 दाने किशमिश के हैं। ये है चाट मसाला 1 चम्मच। अदरक है, ये मैंने लंबे टुकड़ों में थोड़ा सा अदरक इस तरह से बारीक बारीक काट लिया है। ये है बूंदी, बूंदी मैंने 1/2 कटोरी लिया है। इसे मैंने 1 मिनट के लिए पानी में डाल के उसके बाद निकाल लिया था, बहुत ज़्यादा पानी में नहीं रखा मैंने। तो चलिए अब हम बनाते हैं ब्रेड की पापड़ी चाट। सबसे पहले हमने ब्रेड को कट करना है। आप किसी भी ढक्कन के साथ इसको या किसी भी चीज़ के साथ कट कर सकते हैं। ये मैं इस डब्बी के साथ इसको काट रही हूँ इस तरह से। ये मैं इसमें से 2 पीस निकाल दी हूँ ताकि ब्रेड बहुत ज़्यादा वेस्ट ना जाए। आप इसमें से 1 पीस भी निकाल सकते हैं या आप बड़ा ब्रेड ले सकते हैं। बड़े ब्रेड में आप ढक्कन जो है थोड़ा बड़ा साइज़ का भी ले सकते हैं। ये हमने तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। तेल हमारा गर्म हो चुका है, हम इसके अंदर 1 चुटकी नमक डालेंगे। नमक डालने से क्या होगा, ब्रेड जो है वो ज़्यादा तेल को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा गर्म तेल में नहीं डालना, ब्रेड एकदम से लाल हो जाता है। तो ये तेल हमारा गर्म है जितना हमें चाहिए। इसके अंदर हमने इस तरह से ब्रेड को डाल देना है। फ्लेम हमने मीडियम करी हुई है और इसे हमने इस तरह से पलटते हुए फ्राई कर लेना है। हल्का ब्राउन होने तक हमने इसे फ्राई करना है। हम जो दूसरी पापड़ी है वो भी बीच में डाल देंगे कट किए हुए। आप देख रहे हैं कि ब्रेड जो है हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। हम इसको निकाल लेंगे, एक टिश्यू पे निकाल लेंगे। आप चाहें तो भल्ले भी बना सकते हैं साथ में, लेकिन मैं पापड़ी चाट बना रही हूँ इसलिए मैंने भल्ले नहीं बनाए। तो ये हमारी पापड़ी बनकर तैयार है। इस तरह से हम रखते हुए इसको अच्छे से सोख लेंगे ताकि जो इसमें एक्स्ट्रा ऑयल है वो पूरी तरह से टिश्यू के ऊपर आ जाए। आप देख रहे हैं कि तेल पूरी तरह से सोख लिया है किचन टॉवल पेपर में। अब हम इसकी चाट बनाएंगे। हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने इस तरह से ब्रेड को पकड़ना है और पूरी तरह से हमने दही के अंदर डिप कर देना है। इसी तरह से हम सारे ब्रेड को जितने इसमें आ सकते हैं दही में डिप कर देंगे। ये मैंने 4 पीस इसके अंदर डिप किए हैं, तो जो हमने पहले डाला है वो हम पहले निकाल लेंगे इस तरह से। बहुत ही टेस्टी ये पापड़ी चाट बनकर तैयार होगी। ब्रेड अक्सर घर में होता है, हम जब चाहें ये चाट बना सकते हैं। अब हम इसके ऊपर डालेंगे हल्का सा काला नमक, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, 3-4 पीस अदरक के। ये हम डालेंगे काजू, ये हमने डाल दी है बूंदी, हल्की हल्की हमने ये दही डाल दी है। और अब हम इसके अंदर डालेंगे किशमिश और अब हम इसके ऊपर डालेंगे इमली की चटनी। ये चटनी बहुत ज़्यादा टेस्टी है, बहुत ही अच्छी चाट बनकर तैयार होगी। इस तरह से हमने चटनी डाल दी है और सबसे ऊपर हमने गार्निश के लिए डाल दिए हैं अनार के दाने। आप देख सकते हैं कि चाट कितनी अच्छी बनकर तैयार हुई है। जब भी आप चाहें आप ब्रेड से चाट का मज़ा ले सकते हैं, बहुत ही कम समय में, बहुत ही स्वादिष्ट। ये हमारी चाट सर्व करने के लिए तैयार है। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी। आप इसे घर पर ट्राई ज़रूर करें, ज़रूर बनाएं इसको और मुझे बताएं कि आपको ये चाट कैसी लगी। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।